में कौन मारेगा बाजी, क्या रामायण के राम की होगी एंट्री या दौड़ेगा मायावती का हाथी, बीजेपी सपा और बीएसपी से किसका होगा मेरठ। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में आज मेरठ में मतदान होगा। मेरठ में 756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 2042 पोलिंग बूथ हैं। इन पर 26,72,068 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी है और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलने वाला है। मेरठ में बीजेपी से अरुण गोविल, सपा से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा और बीएसपी से देवव्रत त्यागी सहित 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा और तैयारियों के बीच मतदान कराया जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो रहा है। सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। बूथों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, वेव कास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही हर विधानसभा में पिंक बूथ, युवा बूथ, मॉडल बूथ और दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर 7 दिव्यांग, 7 पिंक, 7 मॉडल और 7 युवा बूथ बने हैं, जहां विशेष सजावटें भी की गई हैं। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी बूथों पर तैनात किए गए हैं। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे चुनाव पर नजर रखी जाएगी। वहीं ईवीएम को रिजर्व में रखा गया है। यदि कहीं से भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिलती है तो उन्हें तत्काल बदलवाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम अलग से तैनात कर दी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिव्यांग और पिंक बूथ भी तैयार कराए गए हैं। वहीं बात अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की करें तो यहां बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह फेमस टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा और बसपा से देवव्रत त्यागी से है। मेरठ लोकसभा सीट पर 20,530 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे, जिनमें से 9,25,022 महिला मतदाता और 10,75,368 पुरुष मतदाता हैं। वहीं युवा मतदाता की अगर बात करें, 29,299 युवा मतदाता जो कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। वहीं वोटिंग के लिए 756 मतदाता केंद्रों पर 2042 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार मेरठ में रामायण के राम बाजी मारेंगे या फिर साइकिल चलेगी या फिर हाथी की चाल मेरठ में चलती हुई नजर आएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।